तो नाश्ता हो रहा है और ये देखिए गाइस मेरा अजान जो है शर्म के मारे टोपी नहीं उतारी इसने जब से गंजा हुआ है। ये देखिए गंजा हुआ है, टोपी नहीं उतारी इसने। तो नाश्ता हो गया है और कर लिया है नाश्ता, बहुत ज़्यादा पेट भर गया है। तो आज हम जा रहे हैं अपनी बेटी को छोड़ने रोशनी को, तो क्योंकि वो मदरसे पढ़ती है ना जाफराबाद में, तो वहाँ दो दिन के लिए आई थी। ये देखो मेरे गाल पे ये क्या हो गया पता नहीं, मेरे ख्वाह से नाखून वगैरह लग गया, दाना वगैरह हो गया मेरे मुँह पे। तो उसको छोड़ने जाना है आज, तो उसका एक सूट लाई थी मैं उस दिन, तो वो सीना भी है अभी, तो मैं अभी वो सूट सीने जा रही हूँ, फिर रोशनी को छोड़ के आऊँगी हॉस्टल, फिर वहाँ से मेरी एक बाजी है मिलने वाली है, मैं उनके घर जाऊँगी। उनके घर मैंने सुना है बहुत सारे मुर्गे हैं, तो मैं उनके पास भी मिलने जाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन से बुला रही थी वो मतलब मेरी अम्मी की बहन भी बनी है, मुंहबोली बहन है, तो हमारी खाला भी लगती हैं मगर मैं उन्हें बाजी बोलती हूँ। तो उनके घर भी जाना है, तो वहाँ भी जाऊँगी। तो देखते हैं, जल्दी से सिलाई करती हूँ और रोशनी का सूट भी सीती हूँ फटाफट, तो फिर आपको दिखाते रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और आप लोग बता दीजिएगा कि है ना मेरे ब्लॉग कैसे बनते हैं बता दीजिएगा ये। तो अब चलो मैं सिलाई करती हूँ फटाफट। तो यहाँ पर हम अपनी रोशनी का सूट सी रहे हैं, क्योंकि हम सूट लेके आए थे उस दिन, तो आज ही हमें छोड़ने भी जाना है और सूट भी सीना है, तो फटाफट सूट सीते हैं। सूट तो हो जाएगा, डेढ़ घंटे में सिल जाएगा, तो जल्दी से हमने कटिंग तो कर ली है सूट की और फटाफट बस सीने चलते हैं। तो हम बस इतनी ज़्यादा सिंपल सूट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं तो सिर्फ डेढ़ घंटे में सूट सी देती हूँ सिंपल वाला। तो ये देखिए सी दिया, आधा सूट तो सिल ही गया मेरा, तो जल्दी से इसे सिलते हैं और फिर चलते हैं रोशनी को छोड़ने। तो सूट बस सिलने ही वाला है, तो मशीन उधर रख दी है, मशीन रख दी है उधर, तो सूट सिल गया है हमारी रोशनी बेटी का। तो जल्दी से हम चलते हैं मदरसे लेके, वो पहनने गई है अपना सूट को, तो फटाफट चलते हैं मदरसे। और देखो फिर से ये मोहब्बत दिखा रही है हमारी रोशनी अपने भाई को, है भाई ये देखो जरा जा रही तेरी बहन, तू भी जाएगा, चल आ जा, चल तू भी देख रहा, ये तोड़ दिया इन्हें तेरा, ये ले तोड़ दिया इसका तेरा, लाए बा बहुत बढ़िया, तूने और दे दे उसको सामने, आ जल्दी जल्दी आ। तो जा रहे हैं, छोड़ दिया हमने रोशनी को अंदर अपनी बेटी को, तो पूरा यहाँ तक है, वहाँ से वहाँ तक है। तो ये काफ़ी बड़ा है, अंदर से भी बहुत बड़ा है। तो अब हम जा रहे हैं घर, तो हम बैठ गए हैं बैटरी वाले रिक्शे में, तो यहाँ से जाएंगे अपनी बाजी के घर, तो चलते हैं। तुमने तो पूरा बाजी ऊपर चिड़िया घर बना लिया तुमने तो, माशाल्लाह देखो तो कितना माशाल्लाह लग रहा है, अल्लाह ये देखो ऐसा लग रहा मोर है ये तो, ये तोड़ लेंगे खुद खा रही है, इसके लिए क्या करूँ मैं, मतलब खुद तोड़ लेते खुद खा रहे, ये तो मोर लग रहा है ये तो, ये मोर है, नहीं मोर नहीं है टर्की है, टर्की टर्की, तो ये पर कैसे फैलाते हैं, ये ऐसे फैला लेता, चूजे लेके पाले थे, एक दो तीन चार पांच चूजे लेके पाले थे भाई माशाल्लाह, चूजे लिए थे और के नीचे बच्चे बिठा लेते, दो तीन साल हो गए इसको, हाँ, हाँ। सही है तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत हो गई, वरना बच्चे लेकर पालू ना इतने नहीं होते, नहीं मेरे तो सारे बच्चे सब जिए हैं, कोई नहीं मेरा, माशाल्लाह मैं इतनी केयर करती हूँ ना इनके, बहुत काली मुर्गी तो बहुत महंगी मिलती है, इसका कहते हैं गोश्त भी काला निकलता बाजी है, वो हाँ टच वो होती है कड़कनाथ, और ये भी तो तुम्हारी काली है, वो भी काली है, नहीं नहीं वो इसमें जो मुर्गा है ना वो है काला वाला, छोटी मुर्गी कड़कनाथ बाजी, ये भी खाए, ये भी खाना चाहिए, इसे भी खा लेते हैं, हाँ। ये क्या बोलते हैं टर्की, हाँ, टर्की होती ऐसा लग रहा है जैसे वो चिपका हुआ है ना, टर्की, और कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, कलर बदलता है फेस के अपने, हैं तो उसका गोश्त बहुत महंगा होता होगा ना, बहुत 800 रुपए है, अरे फिर सफाई वफाई सब तुम्हारी जिम्मे हो गए, सफाई करती हूं, दाना दोनों तीनों टाइम डालना, पूरी मतलब पैसा वसूल कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये किस चीज की बहन है वाली, लौकी की, ओफो घर की लौकी खाओ, फूल तोड़ो, ये देखो कितनी फुलवारी लगा रखी है, चलो माशाल्लाह, आ रही हूँ नीचे,
गए हैं घर पे, हम गए थे अपनी बाजी के घर मिलने उनके घर में, और देखो कितने सारे उनके घर में परिंदे वगैरह, परिंदे नहीं जब मतलब मुर्गी थे, शुतुरमुर्ग था, बहुत सारे ये थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काश अल्लाह पाक मेरा घर होता ना अपना तो मैं भी छत पे ऐसे ही बनाती। चलो अल्लाह ताला तो ज़रूर एक ना एक दिन तो देगा अल्लाह पाक। तो बस घर पहुँचने वाले, पहुँच गए घर, सन्नाटा हो रहा है आज गली में। तो हम आ गए हैं घर और बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो ये देखिए। हाँ बेटा बेटा, तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म। दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज। हाँ कर देना, कह रहा मेरी मम्मी को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा मेरे बच्चे।